अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजुल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपका टीचर खुबैब और आज की नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लीव रूल्स का एक नया मौजू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लीव रूल्स की काइंड पढ़ी थी, जो कि कैजुअल लीव और अर्न लीव पे मुश्तमल थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम मज़ीद दो काइंड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैटरनिटी लीव और पेटर्निटी लीव पे मुश्तमिल हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। लीव रूल्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और आज लीव रूल्स की दूसरी क्लास है, और आज की इस क्लास में हम मैटरनिटी लीव और पेटर्निटी लीव को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैटरनिटी लीव क्या होती है। मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड टू फीमेल सिविल सर्वेंट्स फॉर 90 डेज ऑन फुल पे इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यानी ये ख्वातीन को ये लीव मिलती है जो कि 90 डेज पे मुश्तमल होती है, और ये बच्चे की पैदाइश से पहले या बाद में दी जाती है। इट इज़ ग्रांटेड आउटसाइड द लीव अकाउंट। अगर आपको पता हो, सर्विस बुक में एक लीव अकाउंट बना होता है, तो ये लीव अकाउंट में शामिल नहीं होती है। इट इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट इन वोकेशन डिपार्टमेंट ऑन टाइम एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सर्विस। जो वोकेशनल स्टाफ है वो अपनी सर्विस के दौरान जितनी दफ़ा चाहे वो इस लीव को अवेल कर सकता है, जबकि इट इज़ अ ग्रांटेड टू अ सिविल सर्वेंट इन नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट नॉट मोर देन 3 times ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। जबकि जो नॉन वोकेशनल स्टाफ है वो अपनी सर्विस के दौरान सिर्फ 3 दफ़ा इस छुट्टी को अवेल कर सकता है। अब हम देखते हैं पेटर्निटी लीव को। जिस तरह आपने पहले पढ़ा कि मेटर्निटी लीव वालदा बच्चे की पैदाइश के मौके पर अवेल करती है, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने वालद को भी ये छुट्टी अवेल करने का मौका दिया हुआ है। उसमें हम देखते हैं अ मेल सिविल सर्वेंट मे बी ग्रांटेड 7 days लीव ऑन आर इमीडिएटली बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। यानी बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद या उससे चंद दिन पहले टोटल मिला के 7 दिन की छुट्टी फादर अवेल कर सकता है। इट इज़ नॉट डेबिट फ्रॉम लीव अकाउंट। जो हमारे गस्टिड एम्प्लाइज होती हैं उनकी ACRs में और जो नॉन गस्टिड होते हैं उनकी सर्विस बुक में लीव अकाउंट बना होता है। तो ये जो छुट्टी लेता है पेटर्निटी लीव, जिसने भी अवेल करनी होती है, उसकी लीव अकाउंट में ये शामिल नहीं होता। लीव अकाउंट क्या होता है ये नेक्स्ट किसी लेक्चर में बहुत तफसील से बता देंगे। इट मे बी ग्रांटेड 2 times ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, और ये अपनी पूरी सर्विस में 2 दफ़ा पेटर्निटी लीव को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा अगर ये लेना चाहें तो फिर इनको अपनी सैलरी जमा करवानी पड़ेगी, जितने दिन की छुट्टी लेना चाहेंगे, 7 दिन की, 14 दिन की। लेकिन जो छुट्टी ये इनको गवर्नमेंट दे रही है 2 दफ़ा की, विद सैलरी, फुल सैलरी इनको छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लीव रूल्स की मज़ीद काइंड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल एजुल आंसर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुल आंसर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।